आज हम बात करेंगे रिलायबिलिटी टेस्ट। यहां पर हमने स्पीशीज आइकॉन देखा है, विंडो आइकॉन। इसके अंतर्गत हमने जो स्टडी की वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर और नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर के बिहेवियर के विषय में स्टडी किया। ये डेटा बेसिकली उत्तर प्रदेश का डेटा है, जिसमें हमने ये स्टडी करने की कोशिश की कि क्या लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट में आना चाहते हैं या नहीं। हमारे पास बेसिकली दो प्रकार के सैंपल्स थे, एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर जो किसी न किसी फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत काम कर रहे थे, उनको प्रीडिसाइड प्राइस उनके प्रोडक्ट का मिल जाता था, उनको इनपुट सच एज सीड्स मिल जाती थी और उनके लिए एक अच्छा मार्केट मिल जाता था बाय द कंपनी। वही एक दूसरे फार्मर्स थे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे और उन्हें हम नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर का नाम दे रहे हैं। अब हम दोनों की बिहेवियर स्टडी ये करना चाहते हैं कि वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट को चाहते हैं कि नहीं चाहते, वही नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर का क्या परसेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट। रिलायबिलिटी एनालिसिस में हम उन वेरिएबल्स का टेस्ट करते हैं कि क्या वो वास्तव में रिलायबल है या नहीं, अर्थात एक ही स्केल पर उनको बार बार मीजर करते हैं, क्या वो अपनी वैल्यू को सेम रखते हैं या चेंज करते हैं, अर्थात हम उनको टेस्ट करते हैं। तो रिलायबिलिटी के साथ अधिकतर तीन प्रकार के टेस्ट को जोड़े जाते हैं। हमारे पास पहला टेस्ट है टेस्ट रीटेस्ट फर्स्ट, सेकेंड हमारा पास है स्पिट हॉप टेस्ट, जिसे साइकोलॉजिकल वर्क के अंतर्गत बिहेवियर इकोनॉमिक्स या बिहेवियर स्टडीज में यूज किया जाता है, और थर्ड है हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी, इसे हम लिकर्ट स्केल पर मीजर करते हैं। लिकर्ट स्केल का मतलब होता है सहमत, असहमत, न्यूट्रल। जब हम स्केल बना लेते हैं 1 से लेकर 4 तक का, 1 से लेकर 5 तक का, अर्थात पहला जब हम टेस्ट देखते हैं, टेस्ट एंड रिटेस्ट की अगर यदि हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इसका तात्पर्य होता है, यदि हम टेस्ट रिटेस्ट की बात करें और कॉमन वर्ड्स में बात करें तो इसका तात्पर्य यह होता है कि एक ही बिहेवियर को बार बार रिप्रेजेंट करना। अब हम यदि बात करते हैं रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी के अंतर्गत जो हमारे पास ट्रूथ है बार बार वही आते हैं, और वैलिडिटी का मतलब होता है कि वास्तव में जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं या बिहेवियर है वो बार बार वही दिखाई पड़ता है। अब हम यहां पर लिकर्ट स्प्लिट हाफ स्केल की बात करते हैं, तो स्प्लिट हाफ स्केल में हमारे पास साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। सपोज दैट हमने ये पूछा कि क्या कोरोना के कारण माइग्रेशन या रिवर्स माइग्रेशन बढ़ा, आपने पहली बार आंसर दिया यस साइकोलॉजिकल, दूसरी बार आपने कहा सहमत या क्वाइट सहमत, क्वाइट एग्री, थोड़ा बहुत सहमत। तो इस प्रकार की जब स्टडी या रिलायबिलिटी टेस्ट किया जाता है तो क्या आपका बिहेवियर बार बार चेंज हो रहा है किसी परसेप्शन को लेकर के, इसको स्प्लिट हॉप के नाम से हम रिलायबिलिटी जानते हैं। थर्ड हमारा है लिकर्ट स्केल, लिकर्ट स्केल के अंतर्गत सहमत, असहमत या पूर्ण सहमत को हम मीजर करते हैं। तो इस प्रकार हमने तीन प्रकार से रिलायबिलिटी जानी। अब हम SPSS में देखते हैं कि कैसे रिलायबिलिटी को टेस्ट करें। इसके अंतर्गत हमारे पास डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू, हम वही पुराने जो मौलिक सिद्धांत उसके आधार पर चेक कर लेते हैं, और ये जरूर ध्यान रखते हैं कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। मिसिंग वैल्यू अगर होगी तो वास्तव में हमारे पास रिलायबिलिटी कम होती चली जाएगी, यानी अल्फा का मान कम हो जाएगा। रिलायबिलिटी को मीजर करने के लिए ग्रोफेन अल्फा का प्रयोग किया गया।
अब हम एनालिसिस में जाते हैं। एनालिसिस में जाने के बाद एनालिसिस को हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सारे स्टैटिकल टूल्स के आइकॉन्स हमारे पास आ जाते हैं। आप इसमें आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाइए, बढ़ने के बाद आप स्केल पर आ जाइए। स्केल पर आने के बाद जब हम उसके ऊपर कर्सर रखते हैं, क्लिक नहीं करते, कर्सर रखते हैं तो हमारे पास रिलायबिलिटी एनालिसिस उसके जस्ट सामने दिखाई देता है। रिलायबिलिटी एनालिसिस को हम क्लिक कर देते हैं। जब हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास दो बॉक्स आते हैं। एक बॉक्स में हमने ये देखा कि हमारे पास वो वेरिएबल्स हैं जो वास्तव में रिलायबिलिटी टेस्ट के लिए रेडी है। दूसरा बॉक्स वो है जिन वेरिएबल्स की हमको रिलायबिलिटी टेस्ट करनी है उनको हम इसमें इंटर कर देते हैं। अगर हमको सारे वेरिएबल रिलायबिलिटी टेस्ट करने हैं तो इस बॉक्स में जाते हैं, कहीं पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए दबाते हैं और एरो को क्लिक करते हैं, सारे वेरिएबल्स हमारे आइटम बॉक्स में आ जाएंगे। जब सारे वेरिएबल्स हमारे आइटम बॉक्स में आ जाएंगे तो उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं और यहां पर जो चीज निकालनी होती है उसको क्लिक करते हैं। लेकिन यदि हमें कुछ वेरिएबल्स का ही निकालना है रिलायबिलिटी तो हम उनको सिलेक्ट करते जाते हैं, ये एरो को क्लिक करते हैं, आइटम बॉक्स में वो वेरिएबल आते जाते हैं। द वेरिएबल इज प्रिपेयर फॉर द रिलायबिलिटी टेस्ट। तो इस प्रकार सपोज दैट हमको सारे इनपुट, ये सोशियो इकोनॉमिक डेटा है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रोविंग में है क्या उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुआ है, या दूसरा नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर्स है क्या उनका इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, या दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसके बेस पर यह स्टडी की गई है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग च्वाइस बिहेवियर क्या है। तो इस प्रकार हम जब इसको क्लिक करते हैं तो कंट्रोल ए कर देते हैं, हमने ब्लू एरो को क्लिक किया, सारे वेरिएबल्स हमने देखा कि आइटम बॉक्स में यानी रिलायबिलिटी टेस्ट के लिए रेडी होगा, और सब ब्लू दिखाई पड़ रहे हैं यानी सारे वेरिएबल्स हमारे रेडी है रिलायबिलिटी टेस्ट। अब हम स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक आइकॉन आ जाता है। अब हमारे पास इसमें रिलायबिलिटी एनालिसिस स्टैटिक्स आ जाता है। इसमें हमारे पास कई टूल्स दिए हैं सब टूल्स के नाम से, सपोज दैट आइटम स्केल, आइटम स्केल इफ आइटम डिलीटेड, कोरिलेशन, अदर चीजें, एफ टेस्ट, फ्रीडमैन काई स्क्वायर टेस्ट, प्रोफेंस काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन, कोवेरियंस, वेरियंस मींस सच एज मेनी वेरिएबल। अब हम यहां पर आइटम को क्लिक कर लेते हैं और सेकंड स्केल इफ आइटम डिलीटेड को यहां पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम और कहीं पर भी क्लिक नहीं करते, एनोवा टेबल में ऑलरेडी नन में लगा, कोई नेवा का टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम कंटिन्यू बटन को क्लिक करते हैं। जब कंटिन्यू बटन को क्लिक करते हैं तो हमने देखा कि फिर हम वही पुराने आइकन पे आ गए और यहां पर हमने ओके का बटन को क्लिक किया। अब हमने कहा वो हमारे पास वेरिएबल एंड डेटा व्यू था, दूसरा हमारा विंडो ओपन हो जाता है। जस्ट उसी के बाद आप नीचे मेनू बार में जाकर भी, अगर सपोज दैट ऑटोमेटिक नहीं ओपन होता तो मेनू बार पर जाकर के आप ये श्योर मानिए कि एसपीएसएस में जब हम एनालिसिस में ओके का बटन यस करते हैं तो हमें आउटपुट बॉक्स मिल जाता है। अब इसे हम आउटपुट बॉक्स या व्यूअर बॉक्स के नाम से भी जान सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास केस प्रोसेसिंग समरी के अंतर्गत हमने देखा कि केस कितने थे, 100 केस हैं, 100% यानी नो मिसिंग वैल्यू, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, जो हमारे पास एक्सक्लूडेड कोई वेरिएबल नहीं है। अब हम देखिए प्रोवेन अल्फा का मान कितना है, 0.095 का मतलब होता है कि 17 नंबर्स ने 17 वेरिएबल की हमने रिलायबिलिटी टेस्ट की है और 17 वेरिएबल की रिलायबिलिटी टेस्ट करने के बाद हमें
अल्फा का मान जितना प्राप्त होता है, अर्थात वास्तव में डेटा रिलायबल है। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार से जो भी बात पूछी, क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्होंने कहा यस। क्या आप उनकी फीस टाइम पे सबमिट करते हैं, उन्होंने बोला यस। वहीं जब हमने नॉन कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार से पूछा कि क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्होंने कहा यस। क्या आप टाइम पे फीस जमा करते हैं, दैट मे बी वेरी answered by they. कुछ हो सकता है, यानी the data is not reliable. उनके साथ कुछ ऐसा behavior था कि उनमें वास्तव में illusion था, लेकिन contract farmer या contract grower के साथ ऐसा illusion नहीं था। क्या आपकी income 5 lakh होगी पर एनम से अधिक, most of the contract grower ने लगभग 90% grower ने बोला yes। यानी रिलायबल है। हमने जब उसके बिहेवियर परसेप्शंस को मेजर किया तो बिहेवियर परसेप्शंस वास्तव में कई वेरिएबल पे ये इंडिकेट कर रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रोविंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज द बेस्ट फॉर फार्मर्स। तो इस प्रकार हमारे पास प्रोवेन अल्फा का मान 0.905 है, जिसका मान 0.7 से ऊपर होना चाहिए, जो यहाँ पर हम देख सकते। अब हमारे पास देखते हैं यहां पर सारे वेरिएबल्स की मीन वैल्यू आ गई है, उसी के साथ हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू भी आ गई है, और कितने हमने टेस्ट में रिस्पोंडेंट्स को यूज किया है वो भी आ गया। 200 हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर थे और 200 नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर रहे। अब हम देखते हैं आगे कि यहां पर हम देखते हैं आइटम टोटल स्टैटिस्टिक। यहां पर हम ये देखते हैं कि लास्ट आप ये आप लास्ट कॉलम को हम देखते हैं प्रोपेन अल्फा इफ आइटम डिलीटेड। यहां पर हम देखिए कि सभी वेरिएबल टाइप ऑफ द फार्मर डिसीजन अबाउट द फार्मिंग सभी की वैल्यू क्या है कि लगभग 0.7 से ज्यादा। अगर 0.7 से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कम होती यानी द डेटा इज नॉट रिलायबल, तो उसको हमको क्वेश्चनर को अगर चाहते हो क्वेश्चनर ना रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता, क्योंकि इस क्वेश्चनर पे वास्तव में इल्यूजन हो रहा है या हम रिलायबिलिटी कुछ अदर जगह। तो अगर हम इसमें इस आइटम को मान लीजिए सपोज दैट हम पहले को डिलीट करते तो वास्तव में क्या फर्क पड़ता है रिलायबिलिटी में, तो अल्फा का मान वास्तव में इसकी वैल्यू कम है 0.89 तो ऑटोमेटिक इंप्रूव कर जाएगी। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि रिलायबिलिटी कैसे टेस्ट की जाती है और ये एसपीएसएस के माध्यम से हम रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो किसी भी रिसर्च के लिए सबसे पहले डेटा की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हमारा डेटा वास्तव में अगले फर्दर प्रोसेस के लिए या अदर मॉडल के लिए रेडी हो पाता है। तो इस प्रकार आज के हम टॉपिक में देखते हैं कि रिलायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब इसको आसान है कि आप इस पर क्लिक करें, अब देखिए रेड एरो आ जाता है, ये मान लिया जाता है ये रेडी है। आप यहाँ से कट करके आप वर्ड की कॉपी पर पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद ये आपको आप इसको आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार कर सकते हैं, अर्थात इसको डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं।